गुड मॉर्निंग प्रेज द लॉर्ड सबको प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की एंड वी लव यू एंड वी आर प्रेइंग फॉर यू हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम सब आप लोगों से बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ गॉड आइए आज प्रभु के वचन में जाएंगे प्लीज टर्न विद मी फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 7:23-24 आप मेरे साथ खोल लीजिए पहला इतिहास अध्याय 7 उसका 23 और 24 पर इट सेज लाइक दिस इसमें इस तरह से लिखा है Then he made love to his wife again, and she became pregnant and gave birth to a son. He named him Beria because there had been misfortune in his family. His daughter was Sherah, who built Lower and Upper Beth Horon as well as Uzen Sherah. तब वह अपनी पत्नी के पास गया और उसने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया और एप्रेम ने उसका नाम इस कारण बरिया रखा कि उसके घराने में विपत्ति पड़ी है उसकी पुत्री शेरा थी जिसने निचले और ऊपर वाले दोनों बेथोरान नामक नगरों को और उज्जैन शेरा को दृढ़ कराया Many times I speak about male characters. बहुत बार मैं सिर्फ पुरुष प्रधान जो चरित्र हैं बाइबल में उसके बारे में ही बताता हूँ But this morning I'll be talking about a great woman found in the Bible. लेकिन आज मैं एक बहुत ही खास महिला जो बाइबल में है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा Hallelujah. Hallelujah. And this morning I want to talk about fruitful in the land of misfortune. आज जो मेरा विषय है प्रचार का वो है दुख भोगने की भूमि में फलवंत होना Hallelujah. Hallelujah. You know the book of Chronicles starts with lengthy genealogy from chapter 1 with Adam. और हम देखते हैं इतिहास की जो पुस्तक है वो बहुत ही बड़ी वंशावली से लंबी वंशावली से शुरू होती है आदम से शुरू होती है From chapter 1 with Adam to King Saul and descendants in chapter 8 पहला जो उसका अध्याय है आदम से लेकर फिर राजा शाऊल और फिर उसकी वंशावली 8 अध्याय तक चलता रहता है None stops mentions many names as who were the sons of whom और ये बिल्कुल लगातार बिना रुके ऐसी वंशावली है कि वो एक के बाद एक का नाम आता रहता है कौन किसका पुत्र था कौन किसका पोता था वो सब नाम बार बार करके इसमें आते हैं It is also noticeable that mostly gents or sons names are here. और ये भी ख्याल में आता है ध्यान में आता है जब पढ़ते हैं खास करके पुरुषों का नाम बेटों का नाम ही वहाँ पे पुत्रों का नाम ही लिखा गया है But when it reaches to chapter 7:24 it starts talking about a daughter who did great works लेकिन जब अध्याय 7 के 24 पद तक पहुँचते हैं वहाँ पर एक बेटी का नाम लिखा है जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं Her name was Sherah उसका नाम शेरा था The Hebrew meaning of this name could be kinswoman इब्रानी भाषा में इसके नाम का जो अर्थ है हो सकता है रिश्तेदार भी कहा जा सकता है और रेमिनेंट या फिर शेष बचे हुए लोग भी कहा जाता है बट इन हिंदी इट साउंड्स लाइक लायन और लायनेस लेकिन हिंदी में इस नाम का अर्थ अगर हम निकाले या नाम Sorry. लगता है कि एक शेर की तरह लगता है और शेरनी की तरह लगता है शेरा है ये नाम यू नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस पैसेज इज दैट जोसेफ हैड गुड had got two sons in और Egypt. इस जो अध्याय का इस का जो पृष्ठभूमि है वो इस तरह से है जो यूसुफ है उसके दो पुत्र थे We know the story of Joseph. हम बहुत अच्छे से यूसुफ की कहानी को जानते How हैं। he was led in slavery to Egypt. किस तरह से यूसुफ को दासत्व में ले जाया गया था मिस्र की गुलामी में And then he became later on prime minister over the country of Egypt. और वहां पर जाने के बाद उसे कुछ समय के बाद मिस्र देश का प्रधानमंत्री भी चुना गया The first born he gave name Manasseh. जब उसका वहां पर पहला पुत्र हुआ उसने उसका नाम मनश्शे रखा And to the second one he gave name Ephraim. और दूसरे पुत्र का नाम उसने एप्रैम रखा Ephraim means God has made me fruitful in the land of misfortune. अप्रेम का मतलब है कि परमेश्वर ने मुझे दुर्भाग्य के भूमि में मुझे फलवंत किया है. Hallelujah. Hallelujah. Genesis 41:52 you can find. आप उत्पत्ति अध्याय 41 और 42 में इसको पढ़ सकते हैं. 41:52. 41 के 52 पद में पढ़ सकते हैं. Further details of Ephraim and his descendants we find in this chapter of First Chronicles chapter 7. 20 onwards. उसके बाद हमें प्रेम की वंशावली सीधी इस किताब में आके पढ़ते हैं अध्याय 7 में पहला इतिहास के 24 23 24
हम लोग पढ़ते हैं. एक्चुअली एफ्रेम्स टू सन्स एजेर एंड एलियाब वर किल्ड बाय द मैन ऑफ गत. और हम देखते हैं एफ्रेम के जो दो पुत्र थे येजेर और एलाद जो गत के मनुष्यों के द्वारा मारे गए थे. व्हेन दे वेंट डाउन टू सीज देयर लाइवस्टॉक. और उसके बाद जब उनको मार डाला गया तो वो गत के निवासियों ने when they went to seize their livestock, they went to steal their livestock, so they were killed. और क्योंकि वो उनके जीव जंतुओं को पकड़ने के लिए गए थे और उसी बीच उन दोनों को मार डाला गया था. And their father Ephraim mourned for them many days. और जो उनका पिता एफ्रेम था उसने काफी दिन तक उनके मरने की वजह से शोक मनाया. In the Old Testament times, father also meant grandfather, or son also meant grandsons. और जो पुराने जमाने में एक जो दादा हुआ करते थे उनको और फादर आल्सो मींस ग्रैंडफादर. पिता का मतलब दादा भी हुआ करता था. एंड सन्स मींस कुड बी ग्रैंडसन्स टू. और बेटों का मतलब पोते भी हुआ करता था. एंड सो एफ्रेम मॉर्न्ड फॉर देम मेनी डेज. और एफ्रेम ने बहुत दिन तक शोक मनाया. And his relatives came to comfort him. और एप्रेम के जो रिश्तेदार थे वो उसे शोक में सांत्वना देने के लिए आए थे. Then he went to his wife again. फिर से एप्रेम अपनी पत्नी के पास गया. And she became pregnant and gave birth to a son. और फिर से वो गर्भवती हुई और उसने फिर से एक बेटे को जन्म दिया. He named him Beria. उसने उसका नाम बरिया रखा. Meaning misfortune. और उसका मतलब tragedy. उसका मतलब था दुर्भाग्य. Misfortune, विपत्ति. विपत्ति. Because there had been misfortune in his family. क्योंकि उसके परिवार में काफी बार दुर्भाग्य आया था. In the olden times, many people used to keep their children's names according to the situations they went through. पुराने जमाने में ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो कुछ परिस्थितियां जब होती थी तो उसी के अनुसार वो अपने बच्चों का संतानों का नाम रखा करते. During the child's birth, if they have gone different kind of situations, so they give. The child names accordingly. अगर संतान उत्पन्न होते समय किसी विपत्ति में या किसी परिस्थिति में से वो गुजरे उस बच्चे को उसी परिस्थिति का नाम दिया जाता था. Like Hannah gave her son's name Samuel. जैसे कि हन्ना ने अपने पुत्र का नाम सैमुअल रखा. Meaning dedicated to God as she gave him back to God. और जिसका मतलब है परमेश्वर को समर्पित और उसने सच में उसे परमेश्वर को समर्पित किया. Because she had no son. क्योंकि she उसके उसके पास कोई पुत्र नहीं था कोई संतान नहीं थी क्योंकि वो नीच बांझ थी. But God heard her prayers. लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया. And so she gave or dedicated that child to God back. इसीलिए उसने अपने उस हुए हुए पुत्र को परमेश्वर को वापस समर्पित so कर दिया. His name Samuel. इसीलिए उसने उसका नाम शमूएल रखा. Another lady, Pinhas' wife, named her newborn baby Ichabod. और पिनहास के बारे में हम देखते हैं उसका जब संतान उत्पन्न हुई उसकी पत्नी को तो उसने उसका नाम इकाबोद रखा. Saying the glory has departed from Israel. वो इस तरह इसलिए उसका नाम रखा कि उसने कहा कि परमेश्वर की महिमा इज़राइल पर से उठ गई है. Because the day the child was born on the same day her husband and the father-in-law died. और जिस दिन वो संतान पैदा हुई वो बच्चा पैदा हुआ उसी दिन उसका ससुर और उसका पति मारा गया. And the enemy captured the ark of God on the same day. और जो शत्रु थे उसी दिन परमेश्वर के वाचा के संदूक को चुरा करके ले गए. You know, during this lockdown period of this pandemic. और आपको पता है लॉकडाउन हुआ ये बहुत महामारी का समय आया. And then during this period, one lady gave had given birth to twin babies. और इसी बीच में एक स्त्री ने दो एक जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. And she gave them names, one to Corona and another one lockdown. और उसने अपने दोनों बच्चों का नाम एक का कोरोना रखा और एक का लॉकडाउन रखा. In this passage of First Chronicles chapter 7, शेरा had experienced misfortunes in her family since her childhood. हम यहाँ पर देखते हैं पहला इतिहास अध्याय 7 में शेरा के बारे में देखते हैं जिसने अपने जीवन में बहुत बार दुर्भाग्यों को देखा था. She also saw that the men in her family are not taking the lead to take actions against the enemies. उसने ये भी ध्यान दिया था कि उसके परिवार के जितने भी पुरुष हुए उसकी उसके परिवार में उन्होंने कभी भी परिवार की अगुवाई नहीं की. And the enemies who killed like her uncles,
They did not do anything against them. जब इसके परिवार के कुछ पुरुष लोग मारे गए तो उन लोग मारे गए तो वो लोग बदला लेने भी कुछ लोग जो बच गए थे बदला लेने भी नहीं गए. The gents were not doing anything to overcome the misfortunes in the family. पुरुष लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे अपने इस जीवन के दुर्भाग्य को बदलने के लिए. She also had heard the great stories of her great grandfather Joseph. और इसने अपने परदादा यूसुफ के बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुनी थी. As she, how he feared God. कि किस तरह से उन्होंने परमेश्वर का भय माना. And God helped him to become prime minister over Egypt. और परमेश्वर ने उनकी मदद किया कि वो मिस्र के देश का प्रधानमंत्री बन गए. She also took her steps of faith like Joseph. And to change her misfortunes. उसने भी यूसुफ की तरह ही बहुत ही साहस का कदम उठाया कि वो अपने दुर्भाग्य को बदल सके. Here I will add one more thing about fortune and misfortune. यहाँ पर मैं एक और बात जोड़ूंगा इसमें दुर्भाग्य और सौभाग्य होता क्या है. That your fortune starts when the spirit of God comes upon you. आपका सौभाग्य तब शुरू होता है जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर रहता है आपके संग रहता है. And your misfortune starts when the evil spirit comes upon you. आपका दुर्भाग्य तब होता है जब दुष्ट आत्माएं आती हैं और आपके ऊपर कब्जा कर लेती हैं. Saul was having fortune. When the Holy Spirit came upon him. जिस तरह की शाउल के बारे में भी देखते हैं उसका सौभाग्य का समय था जब तक परमेश्वर का आत्मा शाउल के साथ था. He was a simple man. बहुत एक साधारण सा व्यक्ति था. Then he became the first king over Israel. लेकिन तब अचानक ही क्या हुआ इज़राइल का राजा बन गया. And when he started disobeying God, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने लगा then the evil spirit came upon him. और तब दुष्ट आत्माएं शाउल पर आने लगी. And his misfortune started. तब उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया. And he lost his kingdom. और उसने अपना राज्य गंवा दिया. So this is the fortune and misfortune. और यही है दुर्भाग्य और सौभाग्य. The Bible gives only one verse about Sherah. बाइबल में सिर्फ एक ही वचन लिखा है शेरा के बारे में. But it talks great things about Sherah. लेकिन ये फिर भी शेरा के बारे में बहुत बड़े महान बातें करता है ये वचन. 24 पद में it says his daughter was Sherah. उसकी पुत्री शेरा थी. Who built lower and upper Bethhoron as well as Uzen Sherah. जिसने निचले और ऊपर वाले दोनों बेथोरान नामक नगरों को और उज्जैन शेरा को भी दृढ़ कराया. From this one verse, we can say many things about Sherah. एक ही वचन को पढ़कर के हम शेरा के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं. Number one. सबसे पहली बात. Sherah was a woman of prayer. जो शेरा थी, वो प्रार्थना करने वाली स्त्री थी. And seeing the situation in her family, she remembered God of Joseph for help. उसने जब अपने परिवार की परिस्थितियों को देखा उसने यूसुफ के परमेश्वर को याद किया कि यूसुफ का परमेश्वर ही उसके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है. She prayed to God of Joseph. उसने यूसुफ के परमेश्वर से प्रार्थना की to change her situation and her misfortunes. कि वो परमेश्वर उसके परिवार का दुर्भाग्य दूर कर दे. She wanted to be uplifted in her family. वो खुद भी ऊपर उठना चाहती थी और ये भी चाहती थी कि उसका परिवार भी उन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाए. And she knew that nobody can help except God. उसे ये भी पता था कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ सकता सिर्फ परमेश्वर उसकी इन हालातों में मदद कर सकता है. God of Abraham, Isaac and Joseph. इसीलिए उसने अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर को याद किया. Hallelujah. Hallelujah. James 5:13 says. याकूब अध्याय 5 के 13 पद में लिखा है. Is anyone among you suffering misfortune? क्या तुम में से कोई दुर्भाग्य दुखी है? He should pray. Is anyone cheerful? He should sing praise. और तो उसे प्रार्थना करना चाहिए. अगर कोई खुश है तो उसे स्तुति के गीत गाने चाहिए. Then Psalms 34:17. भजन संहिता 34:17 में लिखा है. The righteous cry out and the Lord hears. धर्मी पुकारते हैं, दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुन लेता है. And delivers them out of all their troubles. और उन्हें उनकी सारी विपत्तियों से छुड़ा लेता है. Hallelujah. Hallelujah. So God is there to help us. परमेश्वर है कि वो हमारी मदद कर सकता है. And he also want to help you. परमेश्वर करना चाहता भी है हमारी मदद. And if you are going through any kind of misfortune or troubles, अगर आप
अगर आप अपने जीवन में किसी दुर्भाग्य से गुजर रहे हैं, किसी बुरी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, you can also remember like Sarah remembered God of Joseph. आप भी परमेश्वर को याद कर सकते हैं जिस तरह शेरा ने परमेश्वर को याद किया. शेरा was a woman of prayer. शेरा प्रार्थना करने वाली एक महिला थी. And also शेरा was a woman of planning. शेरा एक योजना बनाने वाली प्रबंध एक योजना बनाने वाली स्त्री थी. The scripture says that she built 3 cities to safeguard her people. वचन में लिखा है कि उसने तीन नगरों को दृढ़ किया कि उसके लोग सुरक्षित रहे. You know, people are not able to build even their own house, one house. यहाँ तक कि लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना नहीं सकते. But she built 3 cities where hundreds of people lived in their houses. लेकिन यहाँ पर उसने 3 शहरों को दृढ़ किया, बनाया, निर्माण किया, जहाँ पे हजारों लोग रहते होंगे या रहते थे. And 2 of the 3 cities, Lower Bethoron and Upper Bethoron, were on a hillside. इसमें से दो जो जगहें हैं, वो एक निचला और ऊपर वाला बेथोरा नामक जो नगर था वो पहाड़ी इलाके पर था, पहाड़ पर था बसा. It's very difficult to build a house in the hillside. और ये बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है कि पहाड़ों पर घर का निर्माण किया जाए. How will you bring water and all the resources and materials? कैसे आप ले जाएंगे पहाड़ पर पानी, कैसे materials ले जाएंगे सामान सामग्री बनाने का? लेकिन हम देखते हैं कि उसने 2 शहरों का निर्माण किया पर्वत पे बने हुए. You know, in the olden times, the cities were generally surrounded by big and strong walls for the protection of the people. हम देखते हैं पुराने जमाने में शहरों के चारों तरफ एक शहरपनाह बनाई जाती थी जिसकी वजह से लोग अंदर के सुरक्षित रहते थे. So that the people would be protected from the enemies and wild animals. ताकि लोग अपने शत्रुओं से भी सुरक्षित रहे और जंगली जानवर भी उस शहर में ना आ सके. हालेलुया. You know, building a city needs a lot of things. एक नगर का निर्माण करने के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत होती है. Like finances. जैसे कि धन की जरूरत होती है. Raw materials. बहुत सारा कच्चा सामान की भी जरूरत होती है. Back from archaeologist, yeah. और जो नक्शा बनाने वाले लोगों से नक्शे की भी जरूरत होती है. Then human resources. और लोगों की भी जरूरत पड़ती Engineers. है काम करने के लिए. इंजीनियर जो लोग इसमें काम में मतलब परिपक्व होते हैं उनकी जरूरत पड़ती And है. Then a lot of hard works to build the house and the cities. और बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है एक मकान को, एक घर को भी बनाने के लिए. And building a city takes more hard work. और एक अगर शहर का निर्माण करना पड़े तो उसके लिए तो और ज्यादा कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है. And she well planned everything, the whole city. उसने सारी शहर का निर्माण करने के लिए हर चीजों को बहुत ही सलीके से उसने योजना बनाई. How the road will be. कि सड़कें कैसी बनेंगी वहां पर. Where the drainage will be. वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो किस तरह से होगा. And how the houses will be built. घर कैसे बनाए जाएंगे उस शहर में. So which she well planned. बहुत अच्छे से उसने योजना के साथ उस जगह का निर्माण किया. That how the finances is going to come. और उसने ये भी योजना बनाई होगी कि किस तरह से धन आएगा इस सिटी शहर का निर्माण करने के लिए. Chapter 14. ऐसा कौन है जो एक काम का निर्माण करने जाए या गुंबद बनाने जाए और बैठ करके उसका हिसाब किताब ना लगाए कि कितना खर्च आएगा. So Sarah developed herself as a great leader. इसलिए शेरा ने अपने आप को ऐसे निर्माण किया, अपने आप का भी उसने निर्माण किया एक महान व्यक्ति के रूप में. And as a great planner. एक बहुत बड़ी योजना बनाने वाली महिला के रूप में. So she worked as also project manager. और उसने तो प्रोजेक्ट प्रबंधक के रूप में भी काम किया. Designer. एक वो जो डिजाइन करने करना किस तरह से उसका डिजाइन होगा. She well designed the cities and the houses. नक्शा बनाया कि किस तरह से घर होंगे, सुंदरता उसकी कैसे होगी, पूरा उसने डिजाइन किया. रिसोर्स डेवलपर एंड आल्सो एज अ फंडरेजर. और उसने धन कहां से आएगा, धन कहां से, मान कहां से आएगा, सारी चीजों का बैठकर उसने सब चीजों की योजना and बनाई. शी वाज नॉट डूइंग इट अलोन.
वो अकेले इस काम को कर नहीं रही थी. She was a team builder and team leader. एक बहुत ही बड़े समूह को लेकर, बहुत बड़े ग्रुप को लेकर वो चल रही थी और वो एक अगवा थी उनकी. She was leading a big team of gents and other ladies who were helping her build these cities. वो उसकी टीम में, उसके समूह में बहुत सारे पुरुष, बहुत सारी महिलाएं थी जो उसकी मदद करने वाले करते थे इस निर्माण में. There was a lady in Indonesia. She was an engineer. An engineer archaeologist. और हम देखते हैं एक महिला है इंडोनेशिया में जो profession से इंजीनियर है और archaeologist भी है. And when she got the call of God in her life. जब उनके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट आई उनके पास. And she left her work and she started praying and preaching the gospel. और उसने अपने काम को छोड़ दिया और उसने वचन प्रचार करना शुरू कर दिया. And she also helped many children in the slums to get education and to hear the gospel. उसने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बहुत सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाया और उनकी डेवलपमेंट का काम भी किया, निर्माण का काम किया. Later on, she wanted to build a building for the church and for the children home. और उसके बाद उसने ये सोचा कि अब इन बच्चों के लिए मैं एक बिल्डिंग का निर्माण करूंगी, एक मंजिल बनाऊंगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगी जहाँ पे ये बच्चे रह सके और शिक्षा को प्राप्त कर सके. And later on, she found a muddy land in cheap rate. और उसके बाद उसको बहुत ही दलदली जमीन एक मिली, बहुत ही कम खर्च में, कम पैसे में उसको एक ऐसी ही जमीन मिली. And nobody was buying that land because it was a muddy land. कोई भी उस जमीन को खरीदना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक दलदली जमीन थी. But she having faith in the Lord, she bought this land. लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करके उसने इस जमीन को खरीद लिया. And taking help of other engineers, she developed a good building over there. और बाकी इंजीनियर लोगों की सलाह लेकर भी बहुत एक अच्छी बिल्डिंग का निर्माण हुआ. Hallelujah. And later on, I got the opportunity to go there and to visit her church and also her ministries over there in Indonesia, Jakarta. और मुझे भी कुछ समय पहले ही मौका मिला कि मैं इंडोनेशिया जकार्ता में जाऊं और उस बिल्डिंग को देखूं और उस महिला से भी मिल सकूं. And I saw that thousands of people they were coming in that building for to attend the church service. मैंने यह देखा कि वहाँ पे बहुत हजारों लोग चर्च की कलीसिया को शामिल होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए वहाँ पे रोज इकट्ठे हो रहे थे. And that lady was a lady of vision. ये महिला एक दर्शन देखने वाली महिला थी. And she also started sending many of her staffs as missionaries to other countries. और इन्होंने ऐसा किया कि अपनी कलीसिया के लोगों को दूसरे देशों में भी मिशनरी बनाकर भेजना शुरू किया. And we did have some of the teams from that country to our church and they came and ministered here in Patna and in Bihar. हमने ये भी हमारे बीच में भी वो लोग कई बार ऐसी टीम्स भेज चुके हैं, महिलाओं की टीम, पुरुषों की टीम को भेजा है पटना में, वो लोग भ्रमण किए हैं और खूब प्रार्थना भी किए हैं. So we find that about Shera, that Shera was a woman of planning. हमने यहाँ पे क्या देखा कि शेरा नामक जो ये स्त्री थी वो योजना बनाने वाली स्त्री थी, बहुत अच्छी योजना बनाई थी. Then also Shera was a woman of power. हम और भी देखते हैं कि जो शेरा थी वो बहुत ही सामर्थ्य से भरी हुई महिला थी. शेरा वाज़ ए करेजियस वुमन. बहुत ही याद था इस महिला के अंदर. एज़ शी बिल्ट थ्री सिटीज बिफोर हर एनिमीज. जैसे कि हमने देखा अपने शत्रुओं के सामने उसने तीन नगरों का निर्माण कर लिया. Don't think that as she was building these cities and all the people were very happy. ऐसा मत सोचे कि अगर वो बड़े मजे से शहर का निर्माण कर रही है और कोई लोग उसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं. Many people were getting jealous. बहुत सारे लोगों को जलन हो रही थी कि ये क्यों कर रही है ऐसा. Like the neighbors, the people of other faith, they were getting jealous of her. पड़ोसी उसके और दूसरे विश्वास से आए हुए लोग भी उससे बहुत ज्यादा जलन रखते थे. But she was a courageous woman. लेकिन ये एक बहुत ही याद से भरी हुई महिला थी, बहुत सामर्थ्य. By keeping her faith in the Lord, she finished
these three cities. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के बाद इस महिला ने, इस स्त्री ने तीन नगरों का निर्माण समाप्त किया. Proverbs chapter 24:10 says. नीति वचन अध्याय 24 के 10 में 16 में लिखा है. 24:10. 10 में लिखा है. If you give up courage in the day of adversity, your strength is small. अगर तुम मुश्किल के समय में अपना हियाव खो देते हो तो तुम्हारी शक्ति बहुत ही कम है. So we need to have courage during the time of misfortune or troubles. और अगर मुश्किलें आती हैं तो हमें अपना हियाव खोना नहीं चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. Then also number fourth. चौथी बात. The Shera was a woman of perseverance. और जो शेरा थी वो बहुत सम्मानित स्त्री थी, उसका बहुत सम्मान था वहां पर. Shera was a woman of perseverance. धीरज बहुत था उसके अंदर. Proverbs chapter 24:16 says. नीति वचन 24 के 16 में लिखा है. For though the righteous fall seven times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes. धर्मी जन चाहे सात बार भी गिरे तो भी वह उठ खड़ा होता है, लेकिन दुष्ट लोग वहीं पे पड़े रह जाते हैं. By building the city, Shera had to go through many troubles and many problems. और इन शहरों का निर्माण करने के समय में शेरा को बहुत सारी समस्याओं से होके गुजरना पड़ा. Sometimes finances also stopped. कभी कभी तो धन भी आना बंद हो गया. But she did not lose her hope. लेकिन उसने अपनी आशा को खोया नहीं. She had trust upon the Lord. उसने उसका भरोसा परमेश्वर पर था. She persevered during the time of troubles. और उसने बहुत ही धीरज के साथ मुश्किल के समय में भी स्थिर खड़ी रही. And she continued her work. और अपने काम को लगातार करती रही. Hallelujah. Hallelujah. So we also need to persevere during time of our troubles. हम लोगों को भी अपने मुश्किल समय में भी बहुत याद रखना है और दृढ़ रहना है. Number fifth. पांचवी बात. She was a woman of prestige. बहुत ही सम्मान उस स्त्री का था. बहुत सम्मानित स्त्री थी. Initially people did not believe that she could finish her work of making even one city. शुरुआत में जब उसने काम शुरू किया था तो लोगों को भी ये यकीन नहीं था कि ये स्त्री ने जो काम शुरू किया है ये खत्म भी कर पाएगी या नहीं. लोगों को नहीं विश्वास था. But when she finished one city and the second city and when the time of third city came. और जब पहली शहर निर्माण खत्म हुआ, दूसरे शहर का निर्माण खत्म हुआ, जब तीसरे शहर का निर्माण शुरू हुआ. People gave the third city name as Uzen Shera. और लोगों ने उस तीसरे शहर का नाम उज्जैन शेरा रखा. That means listen to Shera. उसका मतलब ये है कि शेरा की सुनो. Because Shera is a leader. क्योंकि शेरा एक अगवा थी. And Shera can finish her work. शेरा अपने काम को पूरा कर सकती थी. And God is with Shera. और परमेश्वर शेरा के साथ था. So she got good honor from the community and from her people. इसीलिए उसे अपने समाज से, अपने लोगों से बहुत ही सम्मान मिला. Hallelujah. Hallelujah. First King 5:4 says. पहला राजा 5:4 में लिखा है. But now the Lord my God has given me rest on every side. क्योंकि मेरे प्रभु परमेश्वर ने मुझे हर तरफ से चैन दिया है. And there is neither adversary nor misfortune. कोई शत्रु भी नहीं बचा है और ना कोई दुर्भाग्य बचा है. Hallelujah. Hallelujah. Proverbs chapter 13:21. नीति वचन 13 के 21 पद में लिखा है. Misfortune will pursue sinners, but the righteous will be rewarded with prosperity. जो दुर्भाग्य है वो पापियों पर भी विपत्ति जो है पापियों पे ही आ पड़ेगी, लेकिन धर्मी लोग बहुत ही फूलेंगे, फलेंगे और देश में बने रहेंगे. हालेलुया. सो दिस वाज द मैसेज ऑफ गॉड एंड गॉड्स वर्क इन द लाइफ ऑफ शेरा. और यही वो संदेश था कि परमेश्वर का काम किस तरह से इस स्त्री के जीवन में हुआ, शेरा की जिंदगी में हुआ. God was the creator of Shera. परमेश्वर ही शेरा का परमेश्वर था. God used mightily a simple lady like Shera. परमेश्वर ने इस साधारण सी स्त्री शेरा को किस तरह से इस्तेमाल किया. Building three cities. तीन शहरों का निर्माण किया. And leading a big communities. और शहर बहुत बड़े समाज का, बहुत बड़ी कम्युनिटी का उसने अगुवाई किया. And God made her fruitful in the land of her misfortune. और परमेश्वर ने उसे दुर्भाग्य के स्थान भूमि पर, विपत्ति की, दुख भोगने की भूमि पर उसे सौभाग्य दिया, सुख दिया.
Hallelujah. Hallelujah. So today, if you are going through any kind of misfortune in your life, अगर आप अपने जीवन में किसी विपत्ति से गुजर रहे हैं, किसी दुख से गुजर रहे हैं, you also need to remember God like Shira. आपको भी शेरा के समान परमेश्वर को स्मरण करने की जरूरत है. God will change your misfortune into fortune. परमेश्वर भी आपका दुर्भाग्य या आपकी विपत्ति को सुख में और सौभाग्य में बदल देगा. God will make you fruitful and prosper you in that land. परमेश्वर आपको आपकी उस भूमि पर, विपत्ति की भूमि पर आशीषित करेगा, सौभाग्य देगा. And you will forget all your sorrows. और आप अपने सारे दुखों को भूल जाएंगे. Because you will have God's blessing upon your life and upon your family. क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष होगी और आपके परिवार के ऊपर भी परमेश्वर की आशीष रहेगी. And also God is also calling you to build some cities. और परमेश्वर आपको भी आज बुला रहा है कि कुछ शहरों का निर्माण करें आप. Because some cities are destroyed by evil spirit or by they are in darkness. बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो दुष्टात्माओं के वश में हैं, अंधकार की वजह से वो शहर नाश हो रहे हैं. And they also need people like Shira. और उन शहरों को भी शेरा के समान स्त्रियों की, पुरुषों की जरूरत है कि खड़े हो जाएं उस शहरों में. That they will go and pray for that city. कि वहाँ पे जाएं और उन शहरों के लिए प्रार्थना करें. Preach the gospel. वहाँ पर प्रभु के वचन का प्रचार करें. They stand like lights. Lights of the world. और वो लोग एक रोशनी के समान इस जगत में खड़े हो जाएं. And they will show light of God to them. और परमेश्वर की ज्योति को लोगों को दिखा सके. They will remove darkness. वहां से अंधकार को दूर हटा सके. They will rebuild that cities spiritually. स्पिरिचुअली आत्मिक तौर से उन शहरों का निर्माण कर सके. Hallelujah. God is giving you call in your life. परमेश्वर आपके जीवन में भी बुलाहट दे रहा है. So that you will also go and build the cities. कि आप भी जाएं और उन शहरों का निर्माण करें. Build the people. लोगों का निर्माण करें. And extend God's kingdom और प्रभु के राज्य को वहाँ पे बढ़ाएं. Remove darkness there. वहाँ से अंधकार को दूर हटा दें. Bring light of God over there. वहाँ पे परमेश्वर की रोशनी को फैला दें. Bring blessing of God over there. वहाँ पे परमेश्वर की आशीष को बढ़ाएं. In Jesus name. यीशु के नाम से. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Heavenly Father. स्वर्गीय पिता परमेश्वर. We thank you, Lord, my God, what you have done in the life of Shira. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं जो काम आपने शेरा की जिंदगी में किए. And this is actually your story. प्रभु ये आपकी कहानी है. And you also work in our life, O Lord. प्रभु आप हमारे जीवन में भी काम करें. You also work in those life, those who are hearing. This video परमेश्वर आप उन लोगों के जीवन में भी काम करें जो इस वीडियो को, इस संदेश को सुन रहे हैं. We together pray for all the brothers and sisters. हम एक साथ मिलकर सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं. They are going through any kind of misfortune or troubles in अगर their life. वो अपने जीवन में किसी विपत्ति को भोग रहे हैं, दुर्भाग्य को देख रहे हैं. Lord my God, change their situation. प्रभु आप इनकी परिस्थितियों को बदल डालें. Deliver them from the hands of Satan and प्रभु, evil spirits. शैतान की शक्तियों से और दुष्टात्माओं की शक्तियों से इनको छुड़ा लें परमेश्वर. In the name of Lord यीशु Jesus. के नाम से, यीशु के नाम से. You are delivered. आप आजाद हैं. And the Holy Spirit is coming upon you. और पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है. So that you will have fortune in your life. ताकि आपके जीवन में आप सौभाग्य को देख सकें. You are blessed. आप आशीषित हैं. You will prosper. आप बढ़ेंगे, फलवंत होंगे आप. You will be fruitful in the land of your misfortune. और आप विपत्ति भोगने की जमीन में बहुत बड़े फलवंत रहेंगे. And may God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. Bless your work and your family. आपके काम पे प्रभु आशीष दे, आपके परिवार पे प्रभु आशीष दे. Jesus name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं. Amen. 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 May God bless you. Thank you. प्रभु आपको आशीष दे. धन्यवाद.